जी, स्वर्ण पदक जीत लिया आपने एशियन गेम्स में, अपने प्रदर्शन से कितनी खुश हैं? सर काफी अच्छा लग रहा है। साल का लास्ट कॉम्पिटिशन था तो खुशी भी है और मोटिवेशन भी है कि अभी नेक्स्ट ईयर ओलंपिक होने वाले हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी तैयारी करेंगे सर। बिल्कुल। और 62.92 के थ्रो के बारे में बताइए, आप अपने इस थ्रो से, ये भले इसने आपको स्वर्ण दिला दी, लेकिन क्या आप इस थ्रो से संतुष्ट हैं या इससे आप और बेहतर कर सकती हैं तैयारी हाँ, की? उससे बेहतर कर सकती थी मैं। ग्राउंड पे काफी अच्छा 64-65 तक मैं कर रही थी, बट ये है कि इस साल मेरा काफी अप डाउन रहा है और परफॉर्मेंस का यही था कि अगर कितना भी बड़ा प्लेयर है, अगर वो कंटिन्यू अगर कॉम्पिटिशन हारता जाता है तो कहीं ना कहीं, कितना भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, कहीं ना कहीं उसका माइंड थोड़ा सा ये हो जाता है कि मतलब क्या चल रहा है, हो क्या रहा है। तो यही है कि हाँ, मतलब इसलिए खुश हूँ क्योंकि मुझे गोल्ड मेडल मिला है और मैंने मतलब इतना मतलब स्ट्रगल करके यहाँ यहाँ तक आई हूँ, तो इस चीज़ की मुझे खुशी है। आपने जो स्ट्रगल करना बताया, आप यू नो, आप फैमिली का स्ट्रगल, आपका स्ट्रगल, मेहनत आपका, और ऊपर से लड़कियों का स्पोर्ट में आना एक थोड़ी जी बात जी अनयूजुअल जैसी बात हो जाती है, हम्म। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ तक का सफ़र आप बताएं। सर बहुत स्ट्रगल था वो, तो मैं मतलब अभी कंट्रोल करती हूँ, बताऊंगी तो मुझे रोना आ जाता है क्योंकि अगर गांव में 5 भाई बहन है, पापा मतलब फार्मर है, घर में मतलब कोई भी जॉब नहीं करता है, तो उस हालत में मतलब स्पोर्ट्स करना, और आपको पता ही है कि स्पोर्ट्स कितना आजकल इजी नहीं है। एक शूज़ भी आप खरीदते हो तो 8-9 हज़ार रुपये का एक शूज आता है, तो उस टाइम पे काफ़ी स्ट्रगल था। किट भी नहीं होती थी, शूज़ भी नहीं होते। जब मैं मेरा पहला कॉम्पिटिशन खेलने गई थी, एशियन चैम्पियनशिप था, वो मेरा जूनियर कॉम्पिटिशन था, तो उस टाइम जो मैं शूज़ पहने गई थी मतलब वो एक फट रहा था, तो जो मेरा अंगूठा था वो बाहर की तरफ निकला हुआ था, तो मैं ऐसे बैठी छिपा रही थी उसको, मतलब बहुत एक अजीब सा लग रहा था कि क्योंकि बहुत बड़े बड़े घर से प्लेयर आते हैं, उनको देख के कि बहुत अच्छा सा किट पहना हुआ है, कि बहुत अच्छे प्लेयर है, बट बाद में धीरे धीरे पता चला कि किट से कपड़ों से कोई बड़ा प्लेयर नहीं होता, मेहनत से और दम से। इतना सब कुछ तय करने के बाद जब आप पोडियम पे चढ़ी और राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊपर चाइना की जमीन पे और राष्ट्रीय गान बज रहा था, ये फीलिंग अपने शब्दों में बयां करें। सर ये तो मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते क्योंकि जितना भी हम स्ट्रगल करते हैं, ये मोमेंट आने के बाद हम वो सब भूल जाते हैं, और ये हर एक प्लेयर का ड्रीम होता है कि हमारा जो फ्लैग वो सबसे ऊपर है और राष्ट्रीय गान मतलब हमारा बजे, तो ये तो एक्सप्लेन ही, बहुत खुशी की बात होती है।